वेलकम टू क्या बोलूं, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी दीदी सोए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये श्री दीदी सोए हुए हैं और चुमू भी सोए हुए हैं। चुमू की पिटाई हुई है, अभी चुमू को दवाई लगाई मैंने, ये देखो अभी भी खूब ज़्यादा हुआ है। किसको और दवाई ना लगा, बस बस होगी होगी, इतनी दवाई लगानी थी। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड जॉब, व्लॉग स्टार्ट कर दिया। बड़ा अच्छा किया, सुन रही हूँ, सुन रही है। गुड मॉर्निंग मम्मा, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग तो नहीं है वैसे, 11 बज रहे हैं। तो ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ आज, कैसा लग रहा है आपको सुन के? अच्छा लग रहा है और मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अच्छा एक्सरसाइज कर रही हो, करो करो। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे जूठे पांडे बहुत कम पड़े हैं, ये क्या है, पीटे बने हुए, ये चिमटा है। तो देखो यार अभी टाइम क्या हो रहा है, 11:04 हो रहे हैं, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और ये उनको सबक सिखाने के रात में है, बट ये सिखा नहीं पा रहा है क्योंकि हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। और ये हैं अपर्णा दिवेल मैडम, ये सोए हुए। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि आज का जो व्लॉग है वो मैं बनाऊंगा, तो अभी देख लो मेरी व्लॉगिंग। तो अभी मैं पढ़ने बैठ गया हूँ, अभी मैं क्लास लगाने लगा हूँ। शाउट आउट टू अपर्णा दिवेल जिन्होंने मुझे ये कोर्स खरीद के दिया। अभी टाइम हो रहा है 2, क्लास लगा लेता हूँ 1 घंटा, फिर 3 बजे खाना खाने बैठूंगा। अभी टाइम हो रहा है 2:57 हो गया और क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी बंद करते हैं किताब और खाना खाते हैं। यार अभी क्लास के दौरान ईशु दी आए थे तो इसके साथ खेल रहे थे, इस वाइटनर के साथ खेलने लगे, तो इसको पता नहीं मारा होगा उन्होंने और इसकी निब तोड़ दी। यार अभी ये चल रही नहीं है, रुको खबर लेता हूँ। पूरे दिन पड़ा रहते क्या किया? क्या किया इसके साथ? खाना डाल के दो मुझे। क्या बनाया ना, क्या बनाया ना, खोजने टू बनाया ना, खिलाओ ना। चलो यार ये मजाक तो ये डालना ही नहीं है व्लॉग में, अभी देखता हूँ क्या बना। ऐसे आ रहा होगा सारा आलू, आलू बना यार, दही वाले आलू बना, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और साथ में है चावल, ये करते होते हैं ये, मतलब खाना मैंने डाला था ऐसे, दिखा दो ना। वाह यार वाह, खाना तो ले आया हूँ मैं, अब मुझे इसके साथ एक फुल्का खाने का मन भी कर गया यार। अभी देखता हूँ रसोई में जाके फुल्का बनाया क्या। तो मेरे रास्ते में जाते से मैं एक भूत मिला था, मेरे को दिखाया ना लगा ऐसे व्लॉग में, मौत भी था, मौत भी। हाँ जी, कौन सी स्पीशीज हो आप? आई एम कोको। कोको स्पीशीज हो, ठीक है। कब आए थे धरती में? 1947। यूएफओ कहाँ है आपका? ये आपका यूएफओ है? ओ यस, फुल्का बना, पहले हाथ धो लेते हैं, एक फुल्का ही खाऊंगा यार, खाने आ जाओ। चलो रहने दो, खा ले खा ले खा ले, भागो भागो भागो, पीछे पड़ गया पीछे पड़ गया पीछे पड़ गया, भागना पीछे। फुल्का भी आ गया है, अभी चलते हैं वापस हाथ धोने। तो अब मैं आपसे खाना खाने के बाद मिलता हूँ। तो काफी लोग पूछ रहे हैं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, तो मेरी खूबसूरती का राज है ये फेस पैक, इसमें मैंने मिलाया है गूं और गोबर, इंसान का गूं और गाय का गोबर और थोड़ा सा नींबू और बस। जस्ट किडिंग, मैंने लगाया है नीम फेस पैक ताकि जो हमको पिंपल फट फट के निकले ना, लोगों ने बोला अपना दिवाल नहीं, अपना क्या रख दो नाम, रागव पता नहीं, दानेदार रख दो अपना नाम। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपने पिंपल कम करती हूँ क्योंकि आईफोन में पिंपल आते हैं ना, पुराने फोन में तो आते नहीं थे, सिर्फ इस फोन के चक्कर में ये फेस पैक लगाना पड़ रहा है ताकि मेरे पिंपल कम हो जाए। अब ये प्लेट रख देता हूँ, फ्रिज में देखते हैं यार कुछ क्रेजी पड़ा होगा खाने के लिए, कुछ है तो नहीं वैसे। शुक्र है यार बिस्किट मिल गया एक, ये मैंने कल लाया था, खाया नहीं, तो अभी खाना खाने के बाद मन करता है ना कुछ मीठा खाने का, तो ये बिस्किट खा लेते हैं और साथ में यूट्यूब देखते हैं, गेमिंग वीडियोस देखते रहता हूँ मैं, 1-2 घंटा ही देखूंगा। 1 घंटा पढ़ाई, 2 घंटा यूट्यूब। तो चोमू खाना नहीं खा रहा है, ये खाना पड़ा हुआ इसका, देखो कितने परेशान हुए अम्मा इसका। खाना खाओ ना चोमू, क्या कर रहे हो? हाँ चोमू, ऐसी बात नहीं है, खाना खाओ। सारों को ब्लॉगर बनना है, बड़ा है ब्लॉगर। और यार 1 दिन का ब्लॉगर हूँ मैं, बस टेंशन ना ले। क्यों बन रहा ब्लॉगर तू? मैंने कुछ नहीं बोला। खाओ ना यार। क्यों खाऊं मैं? चोमू खाना नहीं खा रहा है, आओ। क्यों वो क्यों? किसी दिन किसी दिन। क्या बोल? तो को बताएगा इस घर में सबसे अच्छा कौन है? कोको इस घर में सबसे अच्छा कौन है? इसी डायरेक्शन में एक चोमू भी है, एक दीदी भी है, तो कौन है? अच्छा मैं। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल आपको पीछे गन पड़ा, क्या दिखा रहा है? क्या गन पड़ा है? ये पूरा चोमू दिखा रहा हूँ।
सो यू कैन लुक एट माई स्किन नाउ, थोड़े पिंपल बैठ गए, प्रॉपरली ठीक नहीं हुए, अब इसको बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में। तो अभी ईशी दीदी ने चाय मांगी है, वो अंदर बैठे हुए। अच्छा यहाँ पे हुए हैं बदतमीज। तो मैं ये रूह अफ़ज़ा ग्लास में डाल रहा हूँ, नहीं रूह अफ़ज़ा मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, रूह अफ़ज़ा वाली चाय बना रहा राघव, और चाय में दीदी के लिए बना रहा हूँ। तो पहले डाला रूह अफ़ज़ा, उसमें डाला दूध, अब इसमें पानी डालते हैं। ठंडा डालो फ्रिज वाला। हाँ हाँ फ्रिज वाला पानी डालो। देखा कभी कभी सुन लेनी चाहिए मैंने, कभी कभी सुनना, रोज रोज मत सुनना। वाह बहुत बढ़िया चाय कड़की। चाय अगर कड़क नहीं हुई ना फिर तेरे को बताऊंगी मैं। चाय कड़क रही है ये देखिए, काली होगी। चलो जी इलायची डाली किसमें? चाय में और किसमें? सोड़ सोड़ करके पियो। और मैं पीता हूँ अपना रूह अफ़ज़ा। तो ये चाय पार्टी में दुख में कर रही हूँ, खुशी में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चूमू को पस बनी है, और चूमू ना हाथ लगाने देता ना दवाई लगाने देता, और दुखी बैठा हुआ, इसलिए मैं भी दुखी हूँ। तो चूमू के लिए आइसक्रीम लाई है, और वो बहुत ही चाव से खा रहे। खाना रिकॉर्ड करो ना, खान देने ना पीन देने चैनल पखा बंद करने का होना तरीका। नहीं नहीं मेरा हाथ पहुँच नहीं है, छोड़ फिदू। आइए आपको ये ASMR कराते हैं। चल एक बार खिलाने से क्या ही होता है। हाँ एक बार आप आइसक्रीम खिला लीजिए समर में डॉग्स को। गर्मी लग रही थी ना इसको, प्यारा लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही थी इसको। ये तो बहुत टेस्टी है, तो पूरी आइसक्रीम मैं ही खाऊंगा। वाह जिंदगी में तब्दीली आ गई है, मम्मा ने प्रमोशन की थी ना इसलिए आइसक्रीम मिली। कितने की है रखो भैया? 500 रुपये की। 10,000 की। इतनी महंगी मेरे लिए? हाँ पैसे कितना। देखो कैसे चुरा रहा है, सेंसिटिविटी हो जाएगी सुंदरी बुद्री। मेरे को नहीं आती सेंसिटिविटी, माय फॉल्ट। मैं नीचे हाथ रख दूँ? रख दो। कितना क्यूट लग रहा है, दिल कर रहा है चोमू को खा जाओ, बहुत क्यूट लग रहे हो। फ्लेवर अच्छा है यार, खुशबू आ रही है। देखो कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है मेरा बेटा। तो अभी मैं सोकर उठ गया हूँ, और देखो मौसम कितना सही हो रहा है। देखो यार सैमसी वेदर हो रहा है एकदम सैमसी। सैमसी पता क्या होता है? आई एम सैड। बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ से व्लॉग करते हैं। सो गाइस आज हम जा रहे हैं कहीं पे, चलिए हमें पार इधर उधर उड़सा उठ जासा, चाची ने कार जासा, चाची फतो ने कार जासा, गई चाची फतो के घर। सैमसी वेदर हो रहा है। एक मिनट आने चाची फतो के घर, अभी चलते हैं फतो के घर। व्लॉगिंग नहीं कर रही तूने? तो अभी हम जा रहे हैं इसको करनी नहीं, तो अभी हम जा रहे हैं कोकी का इलाज करने और साथ में चोमू को घुमाने। यार कोकी देखो ठीक ही नहीं हो रही है यार। लास्ट दिन रोज पस बन रही है क्या? लास्ट दिन क्या हुआ? कोई 15-20 दिन हो गया यार इलाज करते हुए उसका। आई एम आल्सो टायर्ड यार। मैं भी टायर्ड। आई वेरी वेरी थक गए यार, थक गए। तू बीमार भी नहीं है? आई एम नॉट विलिंग टू गो, माय बॉडी इज नॉट अलाउइंग मी कि मैं कहीं जाऊं यार। मैं घर से बाहर नहीं जाती हूं, मेरा लॉकडाउन चल रहा है इतने सालों से यार, मैं कहीं जाती ही नहीं हूं। कुत्तों के चक्कर में बाहर फिरना पड़ता, मेरी टांगे दर्द हो रही है, नेक पेन हो रहा है, दिल कर रहा है सो जाऊं, पर जाना पड़ता है यार मजबूरी है। चलो मैं बताता हूं कोकी कहां पे रखा भैया। वो पीछे हाची देख सकते हो आप, हाची को देख के मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है यार, ऐसा लगता है कि अभी आगे मार देगा बदतमीज। यार कोकी यहाँ से उठ ही नहीं रही, अंदर मंदिर में थोड़ी इलाज कर सकते हैं। चल कोकी यार उठ डंगर। राघव की बाहों में जाऊंगी बाहर। क्या यार तेरी अलग ड्रामे, कह रही है राघव की बाहों में जाऊंगी बाहर। उठा के ले उसको। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया मुझसे मिलने। कहाँ थे राघव इतने दिनों से? अरे वाह 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 वाह, अरे वाह। हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है राघव की, न्यू गर्लफ्रेंड। थोड़ा मोर राघव भैया पागल। तो कोकी का इलाज कर देते हैं डंगर कोकी। कोकी का इलाज तो हो गया, पर जितने दिनों से मैं कोकी का इलाज कर रही हूँ, इतने दिनों से अगर मैं किसी मरे हुए कुत्ते का इलाज करती ना वो भी जिंदा हो जाता, पर कोकी ठीक ही नहीं हो रही। अब चूमू को मुतवा रहे हैं, पूरा एरिया चूमू का कर रहे हैं। तो राघव की तरफ से मैं बोलना चाहती हूँ कुछ, चल निकल अब यहाँ से, निकल अब मैं बोल दूंगी। तो अभी हमने डॉक्टर को बुलाया था, डॉक्टर सर आए और उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट की चूमू की। पहले एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा उसको, सेकंड डोज आज देनी थी चूमू को एंटी रेबीज की, वो आज लगी। और सर ने यहाँ पे ऐसे कान मतलब हाथ चूमू बिल्कुल नहीं लगाने देता, हाची पे इतना गुस्सा आता ना मेरे को, अभी दिल कर रहा है मैं हाची को जाके डंडे मारूं इतने जोर जोर के। उसने चूमू को इतनी गहरा घाव दिया ना यहाँ पे, पूरा ऐसे अंदर पूरा सुराख सा हो गया, पर वो हमको दिख नहीं रहा था क्योंकि ऊपर काफी सारे बाल चूमू के ऐसे जुड़ गए थे, और चूमू हमको हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, नहीं तो मैं उसकी ड्रेसिंग करती, बाल काटती, बीटाडीन से साफ करती। डॉक्टर ने भी देखा ऐसे थोड़ा सा खोल के, और अंदर सुराख हुआ था, तो हमको शक हो गया कि बीच में मैगेट्स हैं, तो अगर मैगेट पड़ जाए, ऊपर से ब्रेन है और ऊपर से चूमू हाथ नहीं लगाने दे रहा था। हमने चूमू को मुंह यहाँ से 4-5 बार बंद किया, मतलब अभी मेरे को सांस चढ़ी हुई है क्योंकि इसको पकड़ा, 3 बंदों ने इसको पकड़ा, और फिर डॉक्टर ने यहाँ से बाल काटे, ऊपर से इतनी बड़ी डेड स्किन निकली जो हाची ने मारा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डॉक्टर ने पूरी सफाई की एनएस से। ओह बेचारा यहाँ बैठ के हाँफ रहा है,
ये देखो ये पूरा यहाँ पे कटिंग करी है बालों की और सफाई करी है और अंदर इतना बड़ा वाउंड है और ये आंख के पास डॉक्टर कहते थोड़ी मुश्किल है दवाई लगाना। ये देखो सुराख हुआ पूरा, इतना गुस्सा आ रहा ना मेरे को। हाजी मेरे से मार खा लेगा यार, पहले चुम टच भी नहीं करने दे रहा था यार, इतनी मुश्किल से हमने किया ना, इसमें बहुत जान है यार। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि इसकी ट्रीटमेंट आज अच्छे से होगी, पूरी सफाई होगी, तो अब सामने दिख रहा है कि जख्म कैसा है, कितना गहरा है। अब रोज हम दवाई लगा सकते हैं, पर लगाने तो नहीं देगा, पर मतलब करनी पड़ेगी मेहनत। और चुम को जो दवाई लगाते हैं वो चुम यहाँ से साफ करता है, देखना देखना क्या किया हुआ है, देखना। आप तो बहुत ब्रेव हो। सॉरी चुम यार, पर आप ऐसे ठीक हो जाओगे ना, चुम के सामने बहुत जबरदस्ती की है, बहुत जबरदस्ती की, कोई बात नहीं। वो कितनी लगी यार, मेरे को इतना गुस्सा आता ना हांची पे, मेरे बेटे को क्या हाल कर गया। कोई बात नहीं, भगवान बदला लेगा, देखना चुम्मू भगवान बदला लेगा। अभी चुम्मू को चुप कर बैठाया ब्लॉगर पर। मैं मेरा ब्लॉगर, मेरे को बोलने देना यार। अच्छा, जो मेरे को डायलॉग बोलना है अब इशू को मैं बोलने दे रहा हूं। तो चुम्मू के पनीर में आज हमने मिलावट नहीं की है, खाली पनीर खिलाएंगे, फुलका नहीं डालेंगे बीच में, ठीक है चुंदरी मंदी। ओए ये लो, ओए मेरे बच्चे तू खा, तू जी तू जी मम्मा मरे दे तू जी, क्या दांत नहीं है, ये पिचका के देना पड़ रहा है। मम्मा आप हमेशा मम्मा ओपी इन द चैट, मम्मा हमेशा ऐसे ठक्कर। मम्मा आपको पता है चुम्मू दरवाजे के पीछे बैठता है, चुम्मू टुकड़ा नहीं खा पा रहा, कितनी गंदी डेड स्किन निकली ना राघव। हाजी भी इतना गुस्सा आ रहा है राघव मेरे को, मैं उसको नहीं छोड़ रहा। मेरे महल्ले से जाए, अपने महल्ले में जाए, मैं महल्ले में दिखाई नहीं मेरे को। अच्छा? बस पापा की दुकान के बाहर दिखा, बस उसके बाद नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ रहा। मेरे चुम्मू को घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया इन कुत्तों ने, प्यार कर करके मर गई। वैसे जिन्होंने धोखा दिया उनको मैं प्यार नहीं करती, मैं करती हूँ पर इतना नहीं। बाकी कोकी चीमी पीटा चुटू कभी कुछ नहीं करते चुम्मू को, चुटू को बड़ा होने दे वो भी करेगा। चुटू कभी नहीं कुछ करता, चुटू बहुत होने दे, बड़ा बड़ा होने दे उसको, मार्क माय वर्ड्स। चुटू बहुत वफादार है राघव, बहुत वफादार है चुटू, बहुत शरीफ है, बहुत जेंटलमैन है। तो बस अभी चुम्मू का इलाज हुआ, अभी इसको लास्ट दवाई पिलानी है, वो दीदी बनाने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ, हमारे घर में रोज पार्टी होती है यहाँ पे रात को 10 बजे के बाद। अरे डिस्टर्ब मत करो उनको, सॉरी सॉरी वहाँ पे जाओ ना बेटा खाना खाने। चलो जी आंखें देखने की आंखें की, अरे वो अंदर करके आंख खोल रही है, अंदर करो। सुंदर हो यार सारे, अब तो बहुत सुंदर हो, चावल नहीं खाते यार, इनको चावल खाता दिखाती हूँ आपको, नेहा कैसे खाती है। खा नहीं रही अभी यार, चाय खा ली। अरे मेरे को देख रही थी उठ के, तो यही था आज का व्लॉग, बताना आपको कमेंट सेक्शन में कैसा लगा व्लॉग, एंड करते हैं व्लॉग को, बाय। वेलकम टू क्या बोलू, गुड मॉर्निंग बोलू यार, आफ्टरनून होने वाली क्या बोलू यार, क्या बोल रहा हूँ यार। अच्छा ये है चुम्मू, इसको जूम करके दिखाता हूँ, इसका तो आपको पता ही होगा ये हमारा एक्चुअली डॉगी है, इसको हमने पाला हुआ है, दीदी ने लाया था अमृतसर से, अमृतसर दीदी पढ़ती थी। तो क्या कर रहा है, क्या रिकॉर्ड कर रहा तू है? अच्छा दीदी जागने हैं, अभी 11:04 हुए थे, अब 11:05 हो गए हैं और दीदी उठ चुके हैं, बताती हूँ बैठा। एक्चुअली इस डॉग की कहानी ये है, एडिट तू करके देगा मेरे को। अच्छा ठीक है, नहीं डॉग के बारे में बताएंगे, डॉग के बारे में किसी और ब्लॉग में बताएंगे। तो अभी मैं खाना खाने आ चुका हूँ किचन।